इन दिनों हमारे नगर बांसवाड़ा में भी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया है। इसे देखते हुए नगर परिषद बांसवाड़ा के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी द्वारा भी व्यापारियों एवं प्रबुद्ध जनों के साथ एक बैठक कर इस बीमारी से बचाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। यह कार्यक्रम हरिदेव जोशी रंगमंच में आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा कोरोना महामारी से बचने पर विभिन्न तरह के सुझाव दिए गए। लगा कि मार्केट में अलियों गलियों में कहीं भी नहीं घूम रहे, 90% लोग बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं। इसके लिए विशेष ध्यान देने की बात है। अगर हम स्वयं ही सचेत नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, तो कोरोना को रोक नहीं सकते हैं। प्रशासन अपना जनदानी व्यापार करें तो सभी बिजनेस इसी समय सीमा में, नहीं तो एक जना कहेगा मेरे खुली है, दूसरा कहेगा दावत रोड खुला है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो प्रशासन को जो हमने बांसवाड़ा के एक महान हस्ती दीपक जी, साथ ही पूरे बांसवाड़ा शहर के कुछ लोगों में इस कोरोना के प्रति जो अभी तक की भयावह स्थिति है वो आप शो करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो अभी उनमें डर नहीं है वो डर एक बार बैठेगा, और वो निश्चित रूप से मास्क के साथ में जो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है और दूसरी जो भी है, ये सैनिटाइजर का है, दूसरा है, ये निश्चित रूप से बांसवाड़ा की जनता ये मानेगी। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो कड़वी जरूर है, पर आप निश्चित रूप से मानिए कि प्रशासन, नगर परिषद, चिकित्सालय किसी में भी सामंजस्य नहीं है। आपको निश्चित रूप से इन तीनों में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और बांसवाड़ा की जनता के लिए एक बड़ा काम करना पड़ेगा। वो तो गांधी मूर्ति हो, मोहन मूर्ति हो, वहाँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो विलेज एरिया से होती है, गाँव से होती है। तो हम जब वो पॉपुलेशन आ रही है तो हमको आवश्यक रूप से चलाना होगा। लेकिन दूसरा एक मेरा सुझाव है कि कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, उनको एक उदाहरण पेश करके मिसाल कायम करनी होगी। जैसे समाज के अंदर हर कोई ना कोई मतलब एक रोल मॉडल होता है, या सार्वजनिक जीवन में अपना प्रभाव रखने वाला बहुत से ऐसे व्यक्ति हमारे शहर के अंदर है, उनको कुछ उदाहरण पेश करके मिसाल कायम करनी होती है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा कि जैसे हमारे समाज में एक मौत हो गई थी, तो अब हमने जैसे उनको बोला कि यार आपको एक मैसेज ऐसा टाइप करके जैसे व्हाट्सएप पे कि कम से कम लोग आए, तो उसका यह सोचना था कि नहीं यार मैं कैसे मैसेज डालू यार मेरे फादर एक्सपायर हो, या कोई भी मतलब इवन तो मैं कैसे मैसेज डालू इसको, तो फिर उसको बताना पड़ा कि यार मालवीय जी के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने भी ये मैसेज डाला था कि कम से कम 10-20 लोग आ। तो ऐसे हमारे समाज के अंदर भी बहुत से रोल मॉडल्स हैं, सार्वजनिक जीवन में प्रभाव रखने वाले शहर में बहुत से व्यक्ति हैं जो ऐसे उदाहरण पेश करके मिसाल कायम कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वाला एक डंडा ऊंचा करता है, अपन ज्ञापन देने चले जाते हैं, तो वो एक गलत बात है। पुलिस वाला बेचारा उसकी ड्यूटी कर रहा है, मास्क नहीं पहन के जा रहा है और दादागिरी कर रहा है, उसके सामने खाली गलोज कर रहा है, मारने जा रहा है, और वो डंडा ऊंचा करते ही अपन 8-10 संगठन संगठित होकर ज्ञापन देने जा रहे हैं। मेरा बच्चा आज 4 महीने से घर पर आया, डॉक्टर है वो, और उसके बाद कोई मतलब एक सीरियस होकर घर पे मरीज जो कोरोना का टेस्ट, अपने समाज के सारे जागरूकता जो अपने जिम्मेदार लोग हैं उनको होनी चाहिए, और अपने जितने भी संपर्क में हैं कम से कम हर व्यक्ति के साथ 1500 लोग तो संपर्क में रहे हैं, आज अपन सारे लोग इतने कैपेबल हैं। हालात जो हो रहे हैं, आज हम सुबह से निकलते हैं तो हर जगह भीड़भाड़ नजर आती है। मेरा इस अवसर पर आप सभी से सुझाव है कि हम सुबह फ्रूट का, सब्जी का, दूध डेयरी का, किराने का व्यापार का समय शाम को 6 बजे तक का समय निर्धारित करके, बाकी का रेडीमेड का है, कपड़े का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, बर्तन का है, जो व्यवसाय जो रह जाते हैं वो व्यापार है, भीड़ भाड़ वाले। तो मैं अपने समाज की बात करने नहीं खाया हूँ, लेकिन जो किया है हम लोगों ने, आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने, जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि मार्केट के अंदर 250, 300, 400 रुपये के अंदर स्टीम वेव का मशीन मिल रहा था वेपोइन, तो हम लोगों ने तकरीबन 160 रुपीज़ के अंदर मार्केट में हम लोग हमारी समाज के लिए प्रोवाइड करवाया। समय 10 से 5 रखो और संडे को संपूर्ण बंद रखा जाए, और लगभग सभी एसोसिएशन की लगभग यही राय है कि 10 से 5 का समय रखें और लॉकडाउन ना रखें और संडे को संपूर्ण बंद रखें। जैसे मैंने लड़का रखा ऐसे ही लड़का के रखता है, और कम से कम आज हम संकल्प लेवे कि हम यदि प्रशासन से निवेदन करते हैं सख्ती के लिए, तो यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं कम से कम वो 20,000-25,000 लोगों पे अपना प्रभाव रखते हैं तो चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये हम सबके हित में हम मास्क लगाएं, हम स्वयं अनुशासित रहे। कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए, निश्चित बात है कि कब
हम हंस दें और कब रो दें, ऐसा ही माहौल है। व्यापारिक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग मास्क बनवाएं, अपने दुकान का नाम उस पर लिखें। आपका जैसे साहब ने कहा कि 1000 मास्क मैं दे रहा हूँ, BCCI भी बैठी है, काफी व्यापारी बैठे हुए हैं, मास्क बनवाओ सिटी के अंदर, 14-15 रुपये में बढ़िया मास्क बनता है डोर लेयर का, और अपना मोनो लगवा दो, उससे आपका एडवर्टाइज भी होगा और उसके बाद आपके दुकान का नाम भी होगा। गांव का आदमी पहनने में परहेज नहीं करता, सिद्धि का भी नहीं करता, पहनता है, उसमें कोई ऐसी बात बात नहीं हो रहा। आज का स्टाफ भी पहन सकता है, अगर 50 आदमी का आपका स्टाफ है तो वो भी पहनेगा। तो जो जो बनाना चाहे, और BCCI का हो तो BCCI का मनो लग जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मनो लग जाए, जब साथ जाकर और बात करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, निमेश भाई ने कहा आधी रात का काम बुखार नहीं आ रहा है, उसको सर्दी जुकाम नहीं है, अगर उसके लंग इन्फेक्टेड है, वो आपसे बात कर रहा है तो भी हल्का हल्का कोरोना उसके बातों से निकल के आपके अंदर आ रहा है। तो ये कई छोटी मोटी चीजें हैं जो अपन समझ नहीं पा रहे। और एक बार पुनः अल्प समय बुलाने पर आप सब लोग आए, आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।